गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिजिक्स में आज हम कैपेसिटेंस में आगे स्टडी करेंगे। कल हमने कैपेसिटेंस की डेफिनेशन की थी और कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज स्टडी की थी, तो आज हम कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का। सपोज हमारे पास कोई स्फेरिकल कंडक्टर है हुज रेडियस इज कैपिटल आर, कैरिंग चार्ज स्मॉल क्यू। देन पोटेंशियल ऑफ दिस स्फेरिकल सेल वी इज के क्यू अपॉन रेडियस। के की वैल्यू होती है 1/4πε0r। तो इस स्फेरिकल कंडक्टर का जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा q/4πε0r। तो कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन से अगर हम क्यू अपॉन वी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो C इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4πε0r। तो कैपेसिटेंस आ गया स्फेरिकल कैपेसिटर का जिसकी रेडियस है कैपिटल R, C इज इक्वल्स टू 4πε0r। इसका मतलब है जो कैपेसिटेंस है कंडक्टर का वो उसकी साइज पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज और पोटेंशियल के इंडिपेंडेंट है। किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा दैट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। आगे भी हम ये कैपेसिटर में स्टडी करेंगे। इट डिपेंड्स ओनली ऑन रेडियस एंड डायमेंशंस ऑफ द कैपेसिटर। तो इस फॉर्मूले का अगर हम यूज करें कैपेसिटर्स कैलकुलेट करने में तो कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट है फेरड। एसआई यूनिट क्या है कैपेसिटेंस की? फेरड। अगर हम कोई 1 फेरड का स्फेरिकल कंडक्टर से कैपेसिटर बनाएं तो उस कैपेसिटर की जो रेडियस आएगी वो अर्थ की रेडियस से ज़्यादा होगा। इसका मतलब है 1 फेरड इज ए वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। इवन माइक्रो फेरड की कैपेसिटी के कैपेसिटर्स बनाने के लिए हम कभी भी सिंगल कंडक्टर का यूज नहीं करते, क्योंकि उस कंडक्टर का जो साइज हो जाएगा दैट विल बी वेरी लार्ज। तो हेंस वी कैन नॉट प्रिपेयर कंडक्टर कैपेसिटर यूजिंग सिंगल कंडक्टर। जितने भी कंडेंसर्स और कैपेसिटर्स हम डेली लाइफ में यूज करते हैं दे आर मेड अप ऑफ ऑलवेज 2 कंडक्टर्स। कोई भी हम सिंगल कंडक्टर का बना हुआ कैपेसिटर डेली लाइफ में यूज नहीं करेंगे उसके इम्प्रैक्टिकल साइज की वजह से। तो कैपेसिटर में बेसिक प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी कि कैपेसिटर का मीनिंग है वही कैपेसिटेंस की डेफिनेशन कि इट इज़ ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर इज मेड अप ऑफ 2 कंडक्टर्स जिनको हम कहेंगे इसकी प्लेट्स। बैटरी में जैसे 2 टर्मिनल्स होते हैं ऐसे ही कैपेसिटर में 2 प्लेट्स होती हैं। जो 2 कंडक्टर हम अलग अलग यूज करते हैं उन्हीं को हम बोलेंगे इसकी प्लेट्स। और कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का जो स्पेस है वो एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल होता है। डाइइलेक्ट्रिक मीडियम हम पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर कि अगर हम कैपेसिटर सिंगल कंडक्टर का नहीं बनाएंगे तो 2 कंडक्टर्स का यूज करके हम कैपेसिटर किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में। इसमें हमने 2 कंडक्टर ले लिए जिन्हें हम बोल रहे हैं प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1 को सपोज हमने पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड किया है और इसके नियर अबाउट में हम कोई सेकंड प्लेट लेकर के आए हैं, 2रा कंडक्टर है जिस पे कोई भी चार्ज हमने प्रोवाइड नहीं किया। तो इलेक्ट्रोस्टेटिक इंडक्शन की वजह से
सेकंड प्लेट के लेफ्ट वाले फेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और राइट वाले फेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो ये जो सेकंड प्लेट है पहली वाली प्लेट की पोटेंशियल को डिक्रीज करेगी, क्योंकि नेगेटिव प्लेट चार्ज ज़्यादा नज़दीक है पहली वाली प्लेट से एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज। तो इस सिस्टम का इफ़ेक्ट क्या होगा, अगर हम इस सेकंड प्लेट के पॉजिटिव वाले एंड को ग्राउंड कर दें तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आकर के सेकंड प्लेट के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इन दोनों कंडक्टर्स की हेल्प से हमने उसी चार्ज गिवन चार्ज के लिए पोटेंशियल को रिड्यूस कर लिया। तो Q इज इक्वल्स टू सी वी, तो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V के फॉर्मूले से उसी चार्ज के लिए इस सिस्टम का यूज करने से पोटेंशियल कम होने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज़ वाई वी यूज टू कंडक्टर्स।